यस गाइज, लास्ट डे हम इंग्लिश के बारे में बता रहे थे आपको। और इंग्लिश में जो बेसिक जो हमारी जो टॉपिक्स हैं, बेसिक्स में हमने आपको रिटन और स्पोकन फॉर्म के बारे में बताया था। और आपको ये बताया कि इंग्लिश में रिटन फॉर्म अलग है और इसके अलावा इसकी जो स्पोकन फॉर्म है वो क्या है, अलग है। लेटर्स आर रिटन एंड साउंड्स आर स्पोकन। और आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो किसको लेकर के है, नाउन को लेकर के है। आपको बताया मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, एट होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नाउन है। देखिए, सबसे इजी है और सबसे हार्ड है। इफ आपको सरफेस का नॉलेज है तो ये आपके लिए सबसे हार्ड टॉपिक है, नाउन। और यदि आप कुछ ऊपरी तौर पे जो नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे क्या होगा, इजी होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी टॉपिक के डीपली नहीं जाते हो तब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब नाउन क्या है, नाउन के नंबर्स क्या होते हैं, नाउन कहाँ पे यूज किए जाते हैं, सिंगुलर क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई नाउन होता क्या है। देखिए, शॉर्ट एंड स्वीट में हम ये कहें, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यानी शॉर्ट और स्वीट में जो डिफाइन कर सकते हैं हम, तो हम क्या कहेंगे, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। देखिए, दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई क्या है, नेम है। यानी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो विदाउट नेम हो। और जिस चीज का नेम है वो किस में आएगा, नाउन में आएगा। अंडरस्टैंड कैसे? जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब इसका भी नेम है, जिस पे मैं रिटन कर रहा हूँ वो भी उसका नेम है, अभी ये वॉल है। यानी कहने का मीन, मेरा भी कोई ना कोई क्या है, नेम है। आप जो सभी देख रहे हैं आपका भी अपना क्या होगा, नेम होगा। आपके आसपास जो 90% जो चीज़ें हैं उन सभी का कोई ना कोई क्या है, नेम है। तो हम सीधे रूप में हम ये कह सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। दुनिया में जो हर चीज है उसका क्या है, एक नेम है। और वही किस में इंक्लूड होती है, नाउन में इंक्लूड होती है। जैसे पेन, टीचर, स्कूल, ऑफिस, सिटी, गर्ल, मैन, ये सारी चीजें क्या है बेटा, नाउन है। यानी इनको हम नाउन के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ाता है उसका नेम क्या है, टीचर है। जिससे हम लिखते हैं उसका क्या है, पेन है। जहां हम पढ़ते हैं वो क्या है, स्कूल है, ऑफिस है, सिटी है, गर्ल है। यानी सारी चीजें किस में यूज होती हैं, नाउन के रूप में यूज होती हैं। तो हमारा जो पहली बात है, शॉर्ट एंड स्वीट में हम ये कह सकते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। अब दूसरी फॉर्म में, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंक। अब थिंक्स में क्या आ गई बेटा, सारी चीजें आ गई। अब नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंक्स। अब थिंक्स में सारी चीजें शामिल हो गई, किसी भी पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम है, किसी सेंस का नेम है, किसी थिंक्स का नेम है। वो सारी चीजें किस में इंक्लूड होती हैं, नाउन में इंक्लूड होती हैं। तो हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया वो क्या है, शॉर्ट और स्वीट में नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। और यदि हम ब्रॉड फॉर्म में ले तो हम ये कह सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंक। अंडरस्टैंड? अब देखिए, यानी एक नाउन का फंक्शन क्या होता है, एक सेंटेंस में नाउन काम कैसे करता है। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब इस सेंटेंस में जब हम बात करें नाउन की, तो कितनी नाउन से बेटा, टू है। एक तो राम है और दूसरा क्या है, मार्केट। यानी एक सेंटेंस में नाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकता है, एक नाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकता है। यानी एवरी सेंटेंस में एक नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, या फिर किस रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब आप उसको चेंज भी कर सकते हो। यानी ये 100% नहीं है कि राम हमेशा कहाँ पे रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा। यानी आप राम को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी ले सकते हो। जैसे आई गिव
ए बुक टू राम। अब यहां पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, तो दरअसल में है क्या नाउन, बट काम किस फॉर्म में कर रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हो। जैसे ही गेव मी ए बुक। अब दूसरी सेकंड बात ये बेटा कि हर बार जो नाउन है वो ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्टिव फॉर्म में नाउन ही मिले हमें, यानी यहां पे जैसे ही आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भी क्या है नाउन है, इट इज रॉन्ग। आप हर सब्जेक्टिव केस को नाउन नहीं बोल सकते। अब यहाँ लास्ट में ए बुक आया है, अब ये भी क्या है ऑब्जेक्टिव केस है और ये किस रूप में नाउन के रूप में है। आप देखिए ये जो ही है ये रिप्लेसमेंट कर रहा है किसका नाउन का, दैट्स मीन ये यहाँ पे किस रूप में यूज हुआ है प्रोनाउन के रूप में, यानी नाउन की जो दूसरी फॉर्म है सब्जेक्टिव केस में वो कौन काम कर सकता है, प्रोनाउन काम कर सकता है। अब जैसे ए बुक है तो हम इसको सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे ए बुक वॉज रिटन, ए बुक वॉज रिटन। अब यहाँ पे ए बुक का बुक क्या बना दिया आपने, सब्जेक्ट बना दिया, यानी यस। तो बेटा नाउन किस फॉर्म में हो सकता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा जो व्यूज है वो है टाइप्स ऑफ नाउन। भाई नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के टाइप्स क्या हैं, वेरी इजी है, देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन, कौन सी नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन और थर्ड क्या है कलेक्टिव नाउन और इसके बाद में मटेरियल नाउन और लास्ट में कौन सा बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, फाइव टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में यदि हम काउंट करें तो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। वेरी इजी। अभी हिंदी में भी क्या होता है ऐसे ही होता है सेम, जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जैसे यानी जो प्रॉपर पर्सन है, यानी जिस प्रॉपर पर्सन को इंडिकेट करता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाती है, और कॉमन नाउन जिसको क्या बोलते हैं जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल पदार्थवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। ठीक है, यानी प्रॉपर जो पर्सन को इंडिकेट करेगी तो हम ये कह सकते हैं व्यक्तिवाचक, क्या बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक। तो इंग्लिश में टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं बेटा, फाइव टाइप्स होते हैं, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। यानी कहने का मीन ये हुआ आपको ये पता चल गया कि नाउन एक क्या है नेमिंग वर्ड है, और दुनिया में जो भी चीज है जिसका नेम है वो किस में इंक्लूड होगा, नाउन में इंक्लूड होगा। अब नेक्स्ट हमारा विजन जो है वो ये है कि भाई जो दुनिया में चीजें हैं उनकी कोई ना कोई क्या होगी कैटेगरीज होगी, उसका कोई ना कोई क्लासिफिकेशन होगा, और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको कितने टाइप्स में बदल सकते हैं, फाइव टाइप्स में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बेटा। फंक्शन में कोई चीज को यूज में लीजिए, यानी जब तक आपको ये पता नहीं है कि भी प्रॉपर नाउन होता क्या है, उसका यूज कहाँ पे होता है, हम प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, तब तक आप नहीं समझ सकते। यानी आपने सरफेस में आपको पता चल गया कि भाई ये प्रॉपर है, वैसे काम नहीं चलेगा, प्रॉपर नाउन का यूज कहाँ पे होता है, आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो प्रॉपर नाउन को, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस, यानी प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नेम को या किसी प्लेस के नेम को क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे यानी कोई व्यक्ति है और जिसका नेम है वो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा।
जैसे सीता, राम, मुकेश, शेक्सपियर, न्यूटन, टॉम्स हार्डी, जॉन। अब ये सारी नाउन क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन है, यानी ये किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे हम बात करें सीता की, तो सीता किसी गर्ल का क्या है, नेम है। राम, मुकेश, शेक्सपियर, न्यूटन, टॉम्स हार्डी, जॉन, ये सारे क्या है बेटा, नेम जे। और जो भी नेम जे वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, नाउन। अब जैसे हम ये कहें राजगढ़, हम कहें आगरा, हम कहें दिल्ली या जयपुर, अब ये सारे पर्टिकुलर क्या है, नेम जे। सारे पर्टिकुलर क्या है, नेम है। तो ये नेम भी कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड होंगे, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। आ गया, प्रॉपर नाउन किसी भी सेंटेंस का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अंडरस्टैंड, जैसे आपको सीता है, तो अब सीता किसी भी सेंटेंस का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, और सीता को हम किसी भी सेंटेंस का क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसी प्रकार से आगरा, अब आगरा उसको भी बना सकते हो आप। अब दूसरा देखें, जैसे हम कहें रेड फोर्ट, अब ये भी पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग का क्या हो गया, नेम हो गया। जैसे हम ये कहें ताज महल, अब ये भी पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग का क्या है, नेम है। तो कहने का मतलब जब पर्टिकुलर उस बिल्डिंग का, उस प्लेस का या उस पर्सन का नेम इंडिकेट कर रहा है, तो हम कौन सी नाउन में इंक्लूड करेंगे, प्रॉपर नाउन में। अब देखिए सेंटेंस में हम प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं बेटा, बहुत बार मिस्टेक होती है रिटन फॉर्म में कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग पर्टिकुलर। अब देखिए जैसे सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करने का भी क्या बेटा तरीका है। अब पहली बात तो ये है कि प्रॉपर जो नाउन है, प्रॉपर नाउन उसका फर्स्ट लेटर हमेशा किस में रिटन होगा, कैपिटल में रिटन होगा, किसमें, कैपिटल में। ये 100% है, आ गया समझ में। यानी जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसका फर्स्ट लेटर किसमें रिटन होगा, कैपिटल में रिटन होगा। चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, चाहे मिडल में आए, चाहे सेंटेंस के लास्ट में आए। यानी मान लीजिए मुकेश है, अब मुकेश को आप सेंटेंस के स्टार्ट में लिखो, चाहे मिडल में लिखो, चाहे लास्ट में लिखिए, एम में वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। जैसे आई गेव ए बुक टू मुकेश, अब यहाँ पे एम हमें किस में लिखना पड़ेगा, कैपिटल में, समझ गए। या आप मुकेश को कहाँ पे ले लीजिए, स्टार्ट में ले लीजिए, जैसे मुकेश गेव मी ए बुक, यहाँ भी मुकेश किस फॉर्म में बेटा, एम क्या आएगा, कैपिटल आएगा, ठीक है। तो यानी प्रॉपर जो नाउन है उससे पहले उसका जो फर्स्ट लेटर है उससे पहले आप किसका यूज होगा, कैपिटल लेटर का यूज होगा, समझ गए। यानी ये प्रॉपर नाउन की क्या होती है, खास बात होती है। दूसरा और सुन लीजिए, यानी प्रॉपर नाउन का क्या नहीं आता बेटा, मीनिंग नहीं आता। प्रॉपर नाउन का क्या नहीं निकलता, मीनिंग नहीं निकलता। यानी आपको कोई बंदा ये पूछे भाई मुकेश क्या होता है, तो मुकेश का मीनिंग क्या होगा, मुकेश होगा। शेक्सपियर का मीन क्या होगा, शेक्सपियर होगा। न्यूटन का मीन क्या होगा, न्यूटन होगा। टॉम्स हार्डी का मीन क्या होगा, टॉम्स हार्डी होगा। अब ये थोड़ी है कि कोई आपको ये पूछे भाई गर्ल, अब गर्ल का मीनिंग क्या होता है, गर्ल लड़की होती है, बॉय लड़का होता है, अब इसका मतलब सिटी शहर होता है, अब आपको ये पता है इसका क्या आ रहा है, मीनिंग आ रहा है। बट ऑलवेज बी कैप्ट इन योर माइंड दैट प्रॉपर नाउन हैज नो मीनिंग, यानी प्रॉपर नाउन का कोई क्या नहीं होता, मीनिंग नहीं होता। देखिए बेटा जैसे राजगढ़ है, तो राजगढ़ का कोई क्या नहीं होगा,
मीनिंग नहीं होगा। उसी प्रकार से आगरा, दैट्स मीन आगरा का मीन क्या होता है, आगरा होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर नाउन उसका कोई मीनिंग नहीं होता पर्टिकुलर। दूसरा हमने क्या बताया, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा किस में रिटर्न होगा, कैपिटल में रिटर्न होगा। अगर समझ में, तो दूसरी बात ये। अब दूसरा है जैसे सीता है, राम है, मुकेश है, शेक्सपियर है, यानी जो पर्टिकुलर नेम है उसको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो आई थिंक प्रॉपर नाउन है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई मिस्टेक हो गई है या आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, आप और भी अच्छा ऐड करना चाहते हो, तो हमें बता सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको सबसे पहले उस सेंटेंस को समझने के लिए या प्रॉपर नाउन को समझने के लिए आपको उसका जो डीपली है वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो प्रॉपर नाउन का यूज किस रूप में हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। तो ये हमने, हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सा है, प्रॉपर नाउन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन का जो डिफाइन करने का जो तरीका है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस पर्सन को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो कौन सा है, यस कॉमन नाउन, कौन सा है, कॉमन नाउन। तो दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी क्लास ग्रुप होल, यानी कॉमन नाउन है वो हमेशा एक क्लास को आइडेंटिफाई करेगा, एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगा, या होल नंबर को आइडेंटिफाई करेगा, या होल जो ग्रुप है उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अब कैसे, यानी कॉमन नाउन है तो उसका बेटा क्या आएगा, मीनिंग आएगा, पहली बात तो ये कॉमन नाउन। अब वो पूरी क्लास को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, जैसे हम कहें काउ, हम कहें हॉर्स, हम कहें गर्ल या बॉय, मैन वुमन, चेयर फैन वुड। अब इनका सभी का क्या रहा है बेटा, मीनिंग आ रहा है, क्या रहा है, मीनिंग आ रहा है। काउ, हॉर्स, गर्ल, बॉय, मैन वुमन, चेयर फैन वुड, यानी इन सभी का क्या आएगा, मीनिंग आएगा। और ये पूरी क्लास को इंडिकेट करता है। कॉमन नाउन का हिंदी में मतलब क्या होता है, जातिवाचक, क्या होता है, जातिवाचक, यानी वो नाउन जो पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव करती है, पूरी क्लास के बारे में बताती है, तो वो किस में शामिल होगी, कॉमन नाउन में शामिल होगी। अब क्लास का आइडेंटिफिकेशन कैसे, जैसे काऊ है, अब काऊ है तो इसका मतलब काऊ है वो पूरी क्लास को आइडेंटिफाई कैसे कर रही है। अब काऊ कौन सी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, कोई भी है, बट दुनिया में उसका नेम क्या है, काऊ है, यानी वो पूरी क्लास को क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है। अब जैसे देखिए बेटा डॉग, अब डॉग की एक कैटेगरी नहीं होती, अलग अलग तरह के डॉग होते हैं। अब यूएसए में है, जापान में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, कहीं पे भी है, बट दुनिया उसको किस नाम से जानती है, डॉग के नाम से जानती है, यानी उसकी जो जाति है वो क्या है, डॉग है। अब ये जो नाउन है ये किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। अब जैसे हम बात करें चेयर की, अब चेयर बेटा कैसी भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, उसकी कैटेगरीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, बट प्लास्टिक की हो चाहे वुड की हो, चाहे आयरन की हो, चाहे कॉपर की हो, चाहे गोल्ड की हो, उसका नेम क्या होगा, चेयर होगा। गोल्ड की तो नहीं मिलेगी सभी के पास, ठीक है ना, बट उसका नाम, नेम क्या होगा, चेयर होगा। तो सीधी बात है ये पूरी क्लास को क्या कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव कर रही है। तो ये जो नाउन है ये किस में इंक्लूड होगी, कॉमन नाउन में, किस में, कॉमन नाउन में। जैसे गर्ल है, अब गर्ल कोई भी हो, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, ब्रिटेन में, कहीं पे भी है, बट उसका नेम क्या है, गर्ल है। इसी प्रकार से मैन की कैटेगरी होगी, ठीक है ना, अब मैन है उसकी भी कैटेगराइज कर सकते हैं।
आप उसी प्रकार से वुमन, यानी ये पूरी क्लास को क्या कर रहा है, पूरी जाति का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। तो ये किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। अब फर्स्ट सुन लीजिए बेटा, कॉमन नाउन को हम सिंगुलर टू प्लूरल में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे काऊ का क्या हो गया, काउच, हॉर्सेज, गर्ल्स, बॉयज, मैन का मेन, वुमेन का विमेन, वुमेन नहीं होता बेटा विमेन होता है। इसी प्रकार से चेयर्स, फैंस, वुड्स, डॉग्स। अब ये सारी चीजें किस में शामिल हो जाएगी बेटा, ये सारी चीजें कॉमन नाउन में इंक्लूड हो जाएंगी और हम इनका सिंगुलर से प्लूरल में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन उसका आप सिंगुलर टू प्लूरल में क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा थोड़ी है कि राम के आगे आपने एस लगा दिया, राम्ज, बहुत सारे राम हो गए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ आप एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते उसका सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। अब जैसे आगरा, अब आगरा, आगरा का आपने क्या कर दिया, आगराज कर दिया। अब आगराज होता है क्या, कभी आगराज कभी नहीं होता, क्योंकि ये जो नाउन है ये अपने आप को सिंगुलर फॉर्म में ही इंक्लूड होते हैं, कौन से, प्रॉपर नाउन। बट कॉमन नाउन को हम सिंगुलर टू प्लूरल की कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ गए, यानी इनका ये बेसिक फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा देखिए बेटा, जैसे वुड है, वुड, वुड का मीन क्या होता है बेटा, लकड़ी होता है, और वुड को कौन सी कैटेगरी में रिटर्न किया जाता है, वुड को मेटेरियल नाउन की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। बट वुड का दूसरा मीनिंग भी होता है, और वुड का मतलब क्या होता है, जंगल होता है, वन होता है, और फिर उसका आप प्लूरल बना सकते हो, वुड का क्या हो जाएगा, वुड्स हो जाएगा। बट मेनली कैटेगरी में आप उसको, जैसे लकड़ी के रूप में आप उसका यूज कर रहे हो, तो फिर उसको आप कॉमन नाउन की कैटेगरी में यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और फिर वो किस में चला जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी वो मेटेरियल नाउन में चला जाएगा। तो यही बात कर रहे थे हम, तो मेटेरियल नाउन है उसका थोड़ा सा लिंक है, वो क्या है, अलग है। तो कॉमन नाउन है, एक तो पहली बात हमने क्या बताई है, कॉमन नाउन का सिंगुलर टू प्लूरल में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। वो पूरी क्लास को क्या करती है, रिप्रेजेंटेटिव करती है। अब कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, तो उसका सीधा तरीका है आपके पास, यदि वो प्रॉपर नाउन होगा तो उसका सिंगुलर टू प्लूरल नहीं बनेगा। अब जैसे आपको कहे भाई ताजमहल, अब ताजमहल्स, ऐसा नहीं हो सकता, यानी इट इज रॉन्ग। अब जैसे सीता, अब सीता का सीताज नहीं हो सकता, अब सीता के ऊपर क्या लग सकता है बेटा, एपोस्ट्रॉफी लग सकता है, जिसको एस बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस, सीताज हो सकता है, बट उसका मीनिंग क्या होगा, अलग होगा, आप उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना रहे। जैसे हम कहें सीताज सिस्टर, अब ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, और एपोस्ट्रॉफी में इसका मीनिंग किस में आता है बेटा, ऑफ में आता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, का की के, जैसे सीता सिस्टर, सीता की बहन, बट हम एपोस्ट्रॉफी को हटाना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं सिस्टर ऑफ सीता, सिस्टर ऑफ सीता। अब यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो कहने का मतलब कॉमन नाउन को हम किस में ले सकते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल की कैटेगरी में ले सकते हैं। दोबारा से रिव्यू में देख लीजिए, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन वो नाउन है जो पूरी क्लास को क्या करती है, रिप्रेजेंटेटिव करती है, यानी इसका मीनिंग होता है, पहली बात तो ये, आप उसका मीनिंग ले सकते हो, काऊ का मीनिंग क्या होता है, हॉर्स का, गर्ल्स का। दूसरा, आप इसको सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज कर सकते हो। अब कॉमन नाउन भी सब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात हमने किसकी की है, कॉमन नाउन की, तो ये पूरी क्लास के बारे में है। अब देखिए, कई बार प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जा सकता है,
यानी नाउन तो दरअसल में वो क्या है, प्रॉपर है, बट उसका यूज किस रूप में हो सकता है, कॉमन के रूप में। जैसे हम कहें कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस इंपॉर्टेंट है बेटा। अब फर्स्ट सेंटेंस है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस में आपने देखा कि शेक्सपियर है। अब शेक्सपियर है वो किस रूप में यूज हुआ है यहाँ पे, एज ए कॉमन नाउन के रूप में, क्योंकि कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। अब यहाँ पे शेक्सपियर है वो एक सिंबल है किसका, नॉलेज का, यानी सिंबल नॉलेज का। कैसे, यानी शेक्सपियर है वो इंग्लिश के ग्रेट राइटर हुए हैं, बहुत बड़े प्ले राइट हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे सोनेट प्ले राइट लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारी उन्होंने पोइम्स लिखी हैं, और हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, यानी बहुत बड़े बड़े नाटक लिखे हैं। और शेक्सपियर है वो इंग्लिश का दूसरा क्या बन चुका है, पर्याय बन चुका है, तो इसलिए उसको इसकी क्या दे दी जाती है, संज्ञा दे दी जाती है। और ये किस में शामिल होगा, कॉमन नाउन में। अब कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब आपको ये पूछे कि भाई द शेक्सपियर क्या है, तो आप क्या कहोगे, इट इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। जैसे सेकंड सेंटेंस है जयपुर इज द पेरिस ऑफ ए इंडिया। अब जयपुर है वो भारत का क्या बेटा, पेरिस है। अब पेरिस तो कहाँ पे है, फ्रांस में, यानी फ्रेंच की जो कैपिटल है वो क्या है, पेरिस है। अब जयपुर है वो पेरिस नहीं हो सकता, कालिदास शेक्सपियर नहीं हो सकता, दोनों की कैटेगरीज अलग हैं, दोनों आदमी अलग हैं, तो लेकिन हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, उसकी संज्ञा दे सकते हैं। तो कई बार कॉमन नाउन है वो इस प्रकार से यूज हो सकता है। अब जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। अब कोई ये कहे भाई ही इज महेंद्र सिंह धोनी ऑफ इंडिया। अब कोई बंदा है वो दूसरा महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी तो अपनी जगह पे, वो तो एक ही है, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, दूसरे की संज्ञा दे सकते हैं, यानी एज ए कॉमन नाउन के रूप में यूज हो सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है किस में आएगी, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगी। कई बार एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, यानी आपको जो कैटेगरी है उसका पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन का यूज और कैसे हो सकता है। अब दूसरा देखिए, यदि शेक्सपियर को बाहर निकाल लें हम, और कोई बंदा सिंगल में पूछे कि भी शेक्सपियर क्या है, तो आप क्या बताओगे, प्रॉपर नाउन है। यानी ऐसी चीजें किस में यूज हो सकती हैं, एज ए सेंटेंस के रूप में ले सकते हो। ये नहीं कि हर बार आपने को ये पता चल गया कि भाई सर आपने अभी तो ये बताया था कि शेक्सपियर है वो क्या है, कॉमन नाउन है, बट बेटा ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे यदि इसको हम बाहर निकाल लें तो फिर इसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, किसके बारे में, कॉमन नाउन के बारे में, फिर ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से यदि पेरिस को हम बाहर निकाल लें तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये कॉमन नाउन की खास बात है, इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा कॉमन नाउन है वो भी काउंटेबल में यूज होता है, किसमें यूज होता है, काउंटेबल की कैटेगरी में आता है। कॉमन नाउन काउंटेबल की कैटेगरी में कैसे आता है बेटा, जैसे काउंटेबल यानी बॉय है। अब बॉय है उसकी एक क्या है, निश्चित संख्या है। अब बॉय का यदि प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो सकता है, बॉयज हो सकता है। अब काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी वो होगी, एक काउंटेबल नाउन की कैटेगरी वो होगी जब आप उसका सिंगुलर टू क्या बना सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। अब मान लीजिए आपको कहे वाटर, इसके बारे में मैं बताऊंगा लास्ट क्लास में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। वाटर है तो वाटर की कैटेगरी क्या है, काउंटेबल की नहीं है, उसकी कैटेगरी किस में आएगी, अनकाउंटेबल में आएगी, किस में आएगी, अनकाउंटेबल में। और बॉय की कैटेगरी है वो किस में आएगी, काउंटेबल में। और हमने एज ए यूज किस रूप में कर रहे हैं, हम उसका कॉमन नाउन के रूप में, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक नाउन की जो टू फॉर्म्स होती है, यानी फाइव जो नाउन से हम उसको
कैटेगराइज करके टू फॉर्म्स में रिटर्न कर सकते हैं, यानी एक तो वो क्या होगा काउंटेबल और दूसरा क्या होगा अनकाउंटेबल, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसके बारे में इसका यूज है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये हमारी इन दोनों सेंटेंस को आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार से भी यूज किया जा सकता है, यानी नाउन प्रॉपर होगी बट उसका यूज किस रूप में हो सकता है, एज ए कॉमन नाउन के रूप में हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए कि मान लीजिए कई बार स्टूडेंट है वो ये समझता है कि शेक्सपियर है वो तो क्या है प्रॉपर है, बट उसका यूज जनरली किस रूप में हुआ है, एज ए कॉमन नाउन के रूप में हुआ है, समझ गए। अब देखिए बात किसकी चल रही है बेटा, नाउन की, नाउन के टाइप्स की। तो हमने टू जो फॉर्म्स है वो कंप्लीट करवा दिए, टू टाइप्स, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। पहला तो कौन सा था प्रॉपर और दूसरा कौन सा था कॉमन नाउन। और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हमारी जो लास्ट क्लास थी फर्स्ट क्लास, उसमें बेसिक बताया आपको इंग्लिश के बारे में, तो नाउन, नाउन के टाइप्स, और इसके बाद में जो थर्ड टाइप्स होता है वो कौन सा नाउन है बेटा, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है कलेक्टिव, और नंबर फोर पे कौन सा है मटेरियल, और फाइव पे कौन सा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी हम टू नाउन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, और थर्ड हमारा जो नाउन होगा वो कौन सा होगा कॉमन नाउन, कौन सा होगा सॉरी कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ नंबर पे मटेरियल, और उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट। तो बेटा हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किसकी होगी, कलेक्टिव नाउन की होगी, और कलेक्टिव उसके बाद में मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, और इसके बारे में आपको हम फुली डिस्कशन डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हम आपको बता देंगे। दूसरा हम बार बार बता रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट को यदि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो हमें पूछ सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे चैनल का नेम है तरुणा पब्लिकेशन, और इस चैनल पे आपको सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, दूसरा और भी जो दूसरे एग्जाम्स हैं जैसे बैंकिंग का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, इसके अलावा आर्मी कलर्क का है, और रीट से रिलेटेड है, जनरल साइंस का है, रेलवे का है, तो दूसरा जो भी मटेरियल है जो एडिशनल वो भी आपको क्या है अवेलेबल है, ठीक है ना, बहुत ही इजी वे में। और आप जो भी एडवाइस करते हो, सजेशन देते हो, तो हम आपका आपके सजेशन स्वयं उनका वेलकम करेंगे, ठीक है। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो किसको लेकर के होगी, नाउन को लेकर के, कलेक्टिव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, उसके लिए उसके बाद में होगी ये जो टॉपिक होगा। तो इसके लिए हम यहीं पे आज स्टॉप करते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप तब तक हमारा वेट कीजिए। थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे।